कहाँ गाँव भेलक, घर कहाँ भेलक? आय घर कहाँ है? घर मोहनी, मोहनी किशनपुर मोहनी, रामपद सहनी नाम भेलक ना। हाँ। घास करे छी यहाँ। माल जाल रखले है कि? हाँ रखले है थी। वो कथी है? भैंसी है। ओ तो यहाँ देखे छी कि नेताजी सब आयल हकी, सब लोग हो हल्ला हो रही, तुम्हें कला न के लिए? हम वही हथी ना उन्हें। हाँ वही हथी ना। हाँ जो वही देख ले भाई, देख ले भाई। पहले घास कटना जरूरी है लेकिन ना कटबे माल खत नेताजी पर नहीं अपने से बतिया ले। बड़का आदमी के लगन जरा से बड़का तनी बुद्धि होइ छै, होइ छै कि नहीं? जरूर जरूर जरूर। हम सब दिन अबै जे करे में घास। तो ई जे घास करे छी आई त कै रुपया कमाई हो जाइए अपने? कथी होतै गरीब से कमाई देखाई। इतना जे सरकार की योजना है, इतना सरकार लोग सब के लाभ दे छे, तो अपने आर के ना दई लाभ? कहाँ काम हमरा सके देलक, बूढ़ के ना दे छे। पैसा मिले ये 400 के महीना वृद्धा पेंशन, फ्री अनाज मिले, दवे दारू में चल जाए। हाँ हमरा से 5 बरस से गिर गेली, हमरा से कोई काम ना हो। इहो जबरदस्ती अबै छी, हिन अबै छन, माल भी आ गेल, चले न होइए, और कटा गेल दुनू ठाहे ले। और कथी कहू, गरीब के कोई पाए ना है, तो मालो एगो भी है लग जे लागत सही से। कोटिन उपाय करे छी तो सुइया मार के दुहे, वो सुइया न मारे दे जा फिर से। धियापुता कैगो है? धियापुता कैगो है? तन हमरो लाव ना घास, अपने के ताबे बतियार ताबे घासो कार में कटा देते हमरा। हां छोड़ दे छोड़ दे, ना 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 बोलू रे, हम अपने के मदद करबे, कम से कम बतियार त हम घासो ना काट लेबे ताबे। सुनो ना, हैं ना काटू? हां बाप, बड़ा रिस्की है। हां देखिए दर्शकों को मैं दिखाना चाहता हूं कि यहां पर जो है ना ग्राउंड में अभी भी लोग अपनी समस्या को लेकर ज्यादा पीड़ित हैं, और अपने स्तर पर लोग चाहते हैं कि समाधान निकल जाए। और देखिए यहाँ पर जो है ना अभी जन सुराज का ये अभी कार्यकर्ता रैली चल रहा है, और इसमें यहाँ पर प्रशांत किशोर जी आए हुए हैं। ये मुजफ्फरपुर मकान कहाँ है? हाँ मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जी जी तब। हाँ तो यहाँ पर जो है ना ये आए हुए हैं अभी कार्यकर्ता इसमें, और देखिए कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो यहाँ पर घास काट रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि इनके जो मवेशी है वो उसको अभी इसको खाना देना आवश्यक हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अपने कितना उम्र भेला? 80-90 बरस हो गए। 80-90 तो इन्ने में तन घूम जबे ना, तन बढ़िया से बतिया तन आपने इन्ने में इन्ने में घूम ना। हां 80-90 बरस हो गेला। हां अच्छा तो 80-90 बरस में तो सीधा इन्ने हो ना, बहुत बहुत लोग सा नेता सब अलखिन होते अपने के बीच में। आए नेता लोग सा तो बहुत लोग आलन होते ना अपने के हियां। हां आए वोट गिरा छी ना नेता ई सके की पहले देले रह में आशा कर लोग लगे हमको वोट दीजिए ये बनेंगे वो। हाँ, बहुत आशा है, बहुत आशा। हाँ तो अब की सोच रहा लिया है, अब की होते की होते अपने से सब काम होते यार, सरकार के योजना के लाभ ना ले भाई। सरकार के योजना के लाभ ना ले भाई, सरकार के कला ना ना ले भाई। हाँ योजना के घर और बनला की ना? कैसन घर है? पक्का के घर है? हाँ है, इनका मिलल है 25,000। हाँ 20,000 मिल रही है। 20,000 और बेटा सके नाम मिल रही। अच्छा एक हाथ में कर। हाँ ये लगा दी तब बेटा सके नाम मिल रही है अपने बराबर। हाँ। की नाम है अपने का? की नाम है? परमेश्वरी देवी। हाँ कितना उम्र है? उम्र होते ही मेरे 60 साल हो गए। 30 बरस होते हैं? 35 बरस ना? 40 बरस? हाँ 50 मान के चलो ना। ठीक है दीप, इतना कट लिए हम घास। तीन गो पोता सुन ली? हाँ तीन गो पोता, तीन गो पोती। पोता सब अलग अलग है, कथी कहे? सब अलग अलग है, हमारा ना कुछ पछ ना करे खाए पिए ला, अपने जब जुड़ल से बनाएगा।
वृद्धा पेंशन 400। अच्छा सरकार अपने के की मदद करते जे अपने के जीवन बेहतर हो जाए, की करते सरकार तो हो जाते कहां हमरा मिले ये जे हम मदद करते तो करत छ बना। हां माने छ जे 2000 के महीना मिले। हां 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 तो कुछ भोजन उजन के लो हो, खेती बाड़ी है ये ना। तब की करू, हार्ट प्रेशर बीमारी है, हाई है, तो दवाई लगाइए 1200-1300 के महीना, 400 मिले ये सरकार से महीना में, 400 हिनकारा मिले ये, वह मिला का दवाई लगाई थी कम में दाम वाला, बुलाने से मोदी सरकार हॉस्पिटल मजदूरी चलू तो तनी हम भेंट कर ले छी कौन ना ता दे दे। सब कोई के प्रणाम करवाएं। हाँ, हाँ। कोई ना अपने काम करू ना, हो जाते। हाँ। देखिए मैं दर्शकों को बोला कर ले। हाँ जी सर, सीधा आदमी। देखिए मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जो है ना, अभी भी हमारे ग्राउंड में जो जो समस्या है, जो मूल समस्या है वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मदद की आस में अभी तक इन्होंने जो जिंदगी गुजार दी है, मदद नहीं मिल सका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी, मैं कहूँगा आप हमारे कैमरामैन दिखाइए, यहाँ लोग आए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं और प्रशांत किशोर जी भी हैं। ऐसे हम आपको लिए चलेंगे, आप मेरे साथ बने रहिए और हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। आइए इधर आइए कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोग आते हैं और अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है। मैं असंतोष व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पर एक तरफ लोग कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रहे हैं, जहाँ पर एक तरफ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हुई है, लोग वोट के लिए अभी तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से यहाँ पर लोग जो वोटिंग को लेकर आए हैं, जो तैयारी चल रही है, मैं एक्चुअली तैयारी चल रही है, तो इसमें ये सारे जो तामझाम जो सारी बातें हैं उसमें हम आपको वही दिखाने वाले थे जो आप पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि ग्राउंड की स्थिति अलग होती है। क्या मैं बताऊँ आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है बताइएगा। ये चौपाल समाचार है और मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, मैं ऐसा नहीं कि मैं ये बताने वाला हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर जो हो रहा है वैसा नहीं होना चाहिए, या किसी की तरफ से प्रशांत किशोर जी की तरफ से हो या किसी तरह से, लेकिन अब वो भी होना चाहिए जो यहाँ ग्राउंड की स्थिति बता रही है। और यहाँ पर जो लोग हैं, जो ऐसे लोग जो अभी घास काट रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने इलाज को लेकर किसी तरह से वो दवा का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप तमाम दर्शकों को अपने अपने स्तर से सुझाव दीजिए कि अब वो क्या करें, क्या इंकलाब जिंदाबाद करने से काम चलेगा या सरकार के वो नुमाइंदे जो बेहतर गवर्नमेंट जो बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तो पानी कर रहे हैं वो करेंगे। तो यही आज की बातें थी, बहुत सारी बातें, मैं अब तक वो सारी बातें लेकर नहीं आया इसलिए कि कंट्रोवर्सी जो है ना वो मैं नहीं चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि समाधान निकले। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे। मैं हूँ अभिषेक आनंद और दूसरे वीडियो में दिखाएंगे आगे अंदर क्या चल रहा है। धन्यवाद। अगर चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए और हम सब मिलकर बेहतर समाज का निर्माण कर रहे हैं, तो आप बने रहिए।